डी स्टूडेंट्स हेजर्ड असमेंट प्रवेंशन एंड कंट्रोल को हम देखते हैं सेफ्टी एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रिबोट रिबोट के बहुत से बेनिफिट्स हैं लेकिन दूसरी तरफ कुछ हेल्थ ईश्य भी हैं वो कैसे रिबोट्स आर बींग यूज इन इंडस्ट्री फॉर सच एप्लीकेशन एज आर्क वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग स्प्रे पेंटिंग मटीरियल हैंडलिंग एंड असम्बलिंग एंड लोडिंग एंड अनलोड ऑफ मशीन अब इन सब चीज़ों को जब आप लोगों ने क्लीन नीट एंड क्लीन रखना है तो उसके लिए डेफिनेटली यू नीव ह्यूमंस वर्कर्स इम्प्लाईज तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर सम टाइम इन चीज़ों के जो रिजल्ट हैं वो को बहुत अच्छे साबित नहीं होते अकॉर्डिंग टू नेशनल सेफ्टी काउंसिल एन एस सी द प्रिपल एसोसिएटेड विद रोबोट्स आर नंबर वन बींग सट्रैक्ट बाई अ मूविंग रोबोट वाइल इन साइड दर्क एंड वेलप ये एक इनसेफ़ प्रॉब्लमेटिक्स है कि अगर उसको एनवेलप है उसके अंदर से उसको ऑपरेट करना है तो वो किस तरह से हंड्रेड परसेंट आपको रिजल्ट दे सकता है द वर्क एनवेलप ऑफ अ रिबोट इज द टोटल एरिया विद इन विच इट्स मूविंग पार्ट ऑफ द रिबोट एक्चुअली मूव टोटल एनवेलप का यह मतलब है कि टोटल एरिया जिसको रिबोट्स ने कवर करना है उसकी कमांड उसके अंदर होनी चाहिए और उसकी जो मूवमेंट्स है राइट लेफ्ट स्ट्रेट बैकवर्ड ये सारी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर फीड होनी चाहिए बींग ट्रैप्ड बिटवीन अ मूविंग पार्ट ऑफ this बोट अन अदर मशीन ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेस बींग स्ट्रक बाई द वर्क पीस इन सब चीज़ों को डी स्टूडेंट्स हम एक स्टेटमेंट में यूँ समझ सकते हैं कि रिबोर्ट्स को ह्यूमन इंट्रैक्शन की नीड है जब ह्यूमन इंट्रैक्शन रिबोर्ट के साथ होगा तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे और डिफरेंट होंगे टेक्निकली यहाँ पर डी स्टूडेंट्स ये देखें सेफ्टी एंड हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रिबोर्ट्स यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिबोट्स इंड यूज फिगर ट्वेंटी थ्री डैश वन फिगर ट्वेंटी थ्री डैश वन इंडस्ट्रियल रिबोर्स इन यूज कर्सी टू स्टॉबी कॉप कर्सी का ये मतलब है कि वहाँ से ये हमने स्नैप लेके यहाँ पे अटैच की हुई है और इन दोनों चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये बेसिकली रिबोर्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेश्स के अंदर एसोसिएटेड हैं काम के लिए सेफ्टी एंड हेल्थ इन ऑफिस ऑटोमेशन अकॉर्डिंग्स टू निशी या मैन दब्जेक्टिव ऑफ द आफिस ऑटोमेशन आर इनक्रीज एफिशेंसी सोनल रिडक्शन इकोनॉमी और सोनल एक्सपेंडिचर अगर ये तीन ऑब्जेक्टिव आपके अचीव नहीं होते तो ऑटोमेशन की आपको नीड नहीं है इंप्रूव्ड सर्विस टू कस्टमर्स इंप्रूव्ड प्लानिंग एंड एस्टिमेट हाउ एवर ऑटोमेशन आल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ प्रॉब्लम एनवायरमेंट ऑफिस एनवायरमेंट में जब मैनुअल एक्टिविटीज को ऑटोमेशन रिप्लेस करेगी तो डेफिनेटली उसके साथ उनके अपने इश्यूज आएंगे मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ आर्गनाइजेशन में जब मैनुअल काम को कंप्यूटर से रिप्लेस किया जाता है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स और टेक्नोलॉजी का यूज और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक्सपर्ट्स की डिमांड में इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं इसी तरह उसके साथ साथ हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करना लाजमी है एंड ऑफ यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाइड द द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद ऑटोमेशन वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं आई डबल इमेज कम्प्लीमेंट्री कलर हैडिक ये मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये होंगी हो सकती हैं तब जब आप लोग ऑटोमेशन रिबोर्ट्स को प्रॉपर वे में यूज नहीं करेंगे ऑफिस ऑटोमेशन स्टैंडर्ड्स हैव एन आई एग्जामिनेशन एवरी ईयर ये।, ये तीन चार चीजें हैं जिनका ये मतलब है कि एम्प्लाइज को आपने ब्रेक देनी है क्रेडिकली रिव्यू कराना है क्रेडिकली टेस्ट कराना है ताकि सेफ्टी और हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा जा सके लेजिस जो कानून साजी हो चुकी है उसको आपने अप्लाई करना है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन की जो लेजिसलेशन है उसको हंड्रेड परसेंट जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी और हेल्थ के इशूज पैदा नहीं होंगे और लास्ट में इन चीज़ों को हमने डी स्टूडेंट्स एग्जामिन करना है एग्जामिनेशन ऑफ द इंट्रेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कौन सी चीज़ें हैं जो फिजिकल या स्ट्रेस का बायस बन रही हैं कौन सी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का बायस बन रही हैं उन दोनों हैजेड्स को आपने रिमूव करना है डिवेलमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल स्टडीज और लास्ट अस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल हाई टेक्नोलॉजी सर्विलेंस सिस्टम इसको हंड्रेड परसेंट इंप्लीमेंट करके आप सेफ्टी एंड हेल्थ इन ऑफिस ऑटोमेशन में अप्लाई कर सकते हैं